टेक्निकल अत्याचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? चलो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्लोप्स के बारे में, क्योंकि एक इंजीनियर्स के लाइफ में कई बार स्लोप वाला टर्म जरूर आता है, स्लोप हो या ग्रेडियंट हो। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि स्लोप होता क्या है। सबसे पहले तो मैं ये समझाऊंगा कि स्लोप क्या होता है, और उसके बाद ये बताने की कोशिश करूंगा कि कितने तरह के स्लोप आपके लाइफ में आएंगे, तो उसके क्या रेंज होते हैं और क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं स्लोप के बारे में थोड़ा ज्यादा, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले स्लोप का मतलब क्या है। जैसे अगर आप कभी कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, और आप देखते हैं कि कोई आपका रोड जो है धीरे धीरे ऊंचा होता जा रहा है, ये जो रोड है ऐसे ऊंचा होता जा रहा है, और आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ये प्लेन सरफेस है, रोड जो है आपका ऊंचा होता जा रहा है, तो ये जो एंगल होता है थीटा मान लेते हैं, तो इसको हम लोग स्लोप कहते हैं। अब देखिए, स्लोप को जो स्लोप को डिनोट करने का बहुत सारे तरीके हैं। स्लोप को डिनोट करने का तरीका है, पहला तरीका है राइज बटा रन। राइज बाई रन के फॉर्म में हम लोग स्लोप को डिनोट करते हैं। अब राइज बाई रन का मतलब क्या है कि अगर जैसे ये, अगर ये रोड है, ये मान लीजिए रोड है, इस पर गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी ऐसे चल रही है, इसके ऊपर गाड़ी ऐसे जा रही है, तो इस रोड का स्लोप अगर निकालना हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हम जितना जाएंगे, और ये अगर वर्टिकल में हम जितना जा रहे हैं, तो मान लीजिए अगर वर्टिकल में भी जा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल में आ जा रहे हैं, तो स्लोप होगा राइज कितना है, वी बाई रन हो गया, वी बाई आर इसका स्लोप हो जाएगा। या अगर हम ये एंगल निकाल सके, तो एंगल क्या होता है, टैन इनवर्स, ये वाला टैन इनवर्स, टैन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, अगर हम इस एंगल में लिखते हैं टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब यहां पे क्या है, वी, और आधार क्या है, आर, वी बाई आर। तो थीटा क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स वी बाई आर, तो टैन इनवर्स वी बाई आर, ये हो गया आपका एंगल। तो या तो एंगल भी निकाल सकते हैं हम लोग टैन इनवर्स का इस्तेमाल करके, या फिर हम लोग राइज बाई रन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक और तरीका होता है स्लोप को डिनोट करने का, वो होता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब कि अगर ये आर बराबर 100 हो, तो ये जितना राइज होगा, मान लीजिए 50, तो इसको कहेंगे परसेंटेज। तो यानी अगर हम 100 मीटर जाते हैं हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल में कितना अप या डाउन होता है, उसको हम लोग परसेंटेज स्लोप कहते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि वी राइज हो रहा है, आर रन हो रहा है, तो परसेंटेज हो जाएगा वी बाई आर, ये हो जाएगा परसेंटेज। तो आपको इंजीनियरिंग में ज्यादा टर्म जो आएगा वो परसेंटेज आएगा, या परसेंटेज में कितना डिनोट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा परसेंटेज को और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। परसेंटेज के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन फिर भी देखिए, ये हो गया रन, ये हो गया रन, और ये हो गया राइज, ठीक है, और ये हो गया आपका स्लोप। तो अगर राइज इज इक्वल टू रन हो, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा था परसेंटेज बराबर राइज बाई रन इंटू 100%। तो अगर राइज इज इक्वल टू रन हो, मान लीजिए राइज भी आर है और रन भी आर है, तो क्या हो जाएगा, आर बाई आर इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएंगे, नहीं 100%। तो 100% में और एंगल कितना हुआ, अगर जितना बेस है उतना ही है परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल होता है 45 डिग्री। यानी 100% स्लोप इक्वल टू 45 डिग्री। ये बहुत बड़ी चीज है, ये चीज शायद तुरंत दिमाग में नहीं आती। तो अगर किसी ने, अगर ये दिमाग में नहीं था, तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि जब 100% स्लोप का मतलब 45 डिग्री, यानी अगर 45 डिग्री से ज्यादा की बात करेंगे
तो वो हो जाएगा 100% से ज्यादा, और 45 डिग्री से कम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 45 डिग्री से माने 100% से कम। तो ये हो गया आपका स्लोप इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अब हमारे लाइफ में स्लोप के लिए क्या क्या चीजें आती हैं। एक चीज आती है हमारे लाइफ में रेगुलरली, जब हम रोड पे चलते हैं तो रोड पे जो चलते हैं तो हमारा जो रोड होता है, एक सेक्शन बनाता हूँ मैं रोड का, ऐसे ड्रेन है, ये एम्बैकमेंट है, ये रोड होता है और ये ग्राउंड लेवल है। इस रोड में जो ये कैरेज वे होता है इसमें भी ऐसे स्लोप होता है ताकि इसमें जो पानी है इधर और इधर चला जाए और रोड के ऊपर आपका पानी ना जमा हो, और रोड इससे रोड जो है उससे क्या हो, पानी से बचा हुआ है। तो इस तरह से हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो एंगल होता है इसको कहते हैं कैम्बर। तो ये भी स्लोप जो है, जो रोड के दोनों तरफ स्लोप, जैसे आप रोड जाते हैं तो रोड कभी चिकना नहीं दिखता, वो इस तरह से दिखता है, स्लोप में दिखता है, ताकि उस पर जब पानी है तो वो एक दूसरे साइड फिसल में चला जाए और रोड के ऊपर ज्यादा देर ना रहे, तो जिससे क्या होगा कि रोड जल्दी खराब नहीं होंगे। तो ये जो टर्म है, अब ये जो कैम्बर होता है, ये जो होता है 1.7% से 2% तक ये कैम्बर लोग देते हैं। नॉर्मली जो पक्के ये होते हैं उसमें, और अगर रोड अगर मान लीजिए मिट्टी का है तो ये 3% तक भी जाता है। विशेष अगर इस कैम्बर के स्लोप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हाईवे के बुक्स को कॉन्टेक्ट कीजिए, उसमें कई सारी रेंज दी हुई हैं, लेकिन जनरली 1.7% से 3% तक ये वैरी करता है, तो कैम्बर का स्लोप है। अब एक और स्लोप आता है जब हम रोड पे चलते रहते हैं, और वो स्लोप आता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन, अब ये सुपर एलिवेशन क्या होता है, जब भी गाड़ी जैसे मान लीजिए ऐसे मुड़ते हैं, ये रोड आ रहा है इधर से, ये रोड मान लीजिए इधर से आ रहा है, रोड इधर से आ रहा है और मुड़ते हैं ऐसे, तो यहाँ पे कर्व प्रोवाइड किया जाता है, और इस कर्व का अगर रेडियस मान लीजिए आर है, तो इस कर्व के पास जो है कर्व में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, ताकि गाड़ी स्किड ना करे, टॉपल ना करे, इसके लिए यहाँ पे स्लो प्रोवाइड किया जाता है रोड में एक तरफ, जो कि अगर हम यहाँ से सेक्शन काटें अगर तो ये ऐसा दिखेगा, रोड जो रोड का पेमेंट जो होता है ऐसा होता है और गाड़ी इसके ऊपर चलती है, ऐसा होता है। तो ये जो स्लो प्रोवाइड किया जाता है एट द पोजिशन ऑफ कर्व, इसको कहते हैं सुपर एलिवेशन। और सुपर एलिवेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये है कि जो हाइट, रेजिंग ऑफ एज, जो एज वाला एज, जो रोड का जो विड्थ का जो एज है उसको रेज कर दिया जाता है विड्थ के हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर एलिवेशन। और इसको डिनोट करते हैं सुपर एलिवेशन को, ये मान लीजिए वी है तो वी बाई और विड्थ है डब्ल्यू, इसको कहते हैं सुपर एलिवेशन। और सुपर एलिवेशन का जो रेंज होता है वो होता है मैक्सिमम, जो होता है वो होता है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इज 7%, यानी 7% से ज्यादा सुपर एलिवेशन नहीं देते हैं। तो ये भी एक हाईवे का टर्म है, अगर इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं तो हाईवे का वीडियो बनाऊंगा, अभी अगर तुरंत चाहिए तो हाईवे के लोग को कॉन्टेक्ट कर दीजिए। तो एक ये स्लोप भी है जो अक्सर हमारे सामने सामने आता है, जब भी हम कभी रोड के ऊपर टर्न लेते हैं वहां देखते हैं कि रोड जो है एक तरफ से झुका हुआ है, और वो झुका हुआ किधर रहता है, स्लोप में किधर रहता है, तो वो कर्व के कर्व का जो रेडियस है उस डायरेक्शन में होता है, तो इस तरह से झुका हुआ रहता है और वो गाड़ी को मुड़ने में सपोर्ट करता है ताकि गाड़ी स्किड ना करे, टॉपल ना करे, तो ये सारी चीजें जो है उसमें ध्यान रखी जाती है। तो ये हो गया आपका एक और टर्न हो गया। अब आइए एक अगला टर्न है जिसमें आप स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत ये भी सोचने के लिए हमारे इंजीनियर्स के सामने आ जाता है, पिच्ड रूफ।
अगले पिच रूफ क्या होता है? पिच रूफ होता है स्लोप रूफ, इस तरह का जो रूफ होता है उसको हम लोग कहते हैं पिच रूफ। अब ये इसमें भी क्या होता है, ये जो है इसका जो सरफेस है छत का सरफेस, ये क्या होता है? स्लोप होता है। तो ऐसे सरफेस को, ऐसे बिल्डिंग को जिसकी छत जो है स्लोप में बनाई हुई होती है उसको हम लोग पिच रूफ बिल्डिंग कहते हैं। लेकिन ये जो पिच रूफ और ये स्लोप है दोनों में थोड़ा सा साइंटिफिकल टेक्निकल डिफरेंस है, ऐसे तो जनरल टर्म में सेम ही है क्योंकि दोनों को ढलान को हम लोग रिपीट करते हैं तो उसको हम लोग पिच रूफ करते हैं। लेकिन पिच रूफ में जो है पिच का मतलब होता है राइज, राइज यहां पे क्या हुआ, दिस डिस्टेंस इज द राइज डिवाइडेड बाय स्पैन, और स्पैन क्या होगा, जितना बिल्डिंग का विड्थ होती है उसको कहते हैं स्पैन। तो ये होता है पिच। जबकि स्लोप क्या होगा, रूफ का अगर स्लोप निकालना चाहे तो स्लोप में क्या होगा, रन, राइज बटा रन, रन इस केस में क्या होगा, आधा स्लोप होगा। अगर ये सिमेट्रिकल है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी यहां पर लिख सकते हैं राइज बाय स्पैन बाय, तो ये हो गया स्लोप। तो स्लोप और पिच में टेक्निकल डिफरेंस होता है। स्लोप को हमेशा राइज बाय रन के टर्म में डिनोट करते हैं या परसेंटेज के टर्म में डिनोट करते हैं, लेकिन पिच को हमेशा फ्रैक्शन के टर्म में डिनोट करते हैं, और वो फ्रैक्शन क्या होता है, राइज, दिस राइज डिवाइड बाय स्पैन। तो ये जो पिच होता है, पिच का मतलब जो छत होती है, पिच रूफ की छत, उसकी जो स्लोप होती है वो वेरी करती है 5 डिग्री टू 45 डिग्री। और अगर स्लोप के फॉर्म में कहें तो ये हो जाएगी 1/12 टू 12/12, इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है इसको। तो ये एक मोटा मोटा टर्म था स्लोप के बारे में मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी ठीक लगा या इन्फॉर्मेशनल लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बस इतना ही। बाय बाय।